हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप मजे में होंगे। तो दोस्तों, मैं मनीष सर आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑसम ट्रेनिंग ट्यूटोरियल में। गए जाती जो प्रीव्यू में आपने वीडियो देखा, तो दोस्तों इस तरह की लैलिक्स फिक्र स्टेटस रीडिंग अगर आप भी करना चाहते तो पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिए। दोस्तों, इसका रिक्वेस्ट मुझे आया था होली से कई दिन पहले, बट मैं आज इसका ट्यूटोरियल लेकर आ रहा हूँ क्योंकि बीच में होली था और उस वजह से मैं कुछ ट्यूटोरियल अपलोड नहीं कर पा रहा था, मतलब बना ही नहीं पा रहा था। तो आज मैं इसका ट्यूटोरियल लेकर आया हूँ, तो चलिए हम एडिटिंग स्टार्ट करेंगे। आपको एक्सएमएल प्रीसेट मैं प्रोवाइड करूँगा, प्रीसेट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक्सएमएल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। आप दोनों में से जिसका यूज़ करना चाहे कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। अभी के लिए राइट मोशन अपलीकेशन को ओपन कर लेंगे, देन कुछ इस तरह का इंटरफेस है जैसा स्क्रीन पे देख सकते हो। प्लस के आइकन पे क्लिक कीजिएगा, 9:16 रेशियो सेलेक्ट कीजिए, रेजोल्यूशन 1080 रखिए और 360 या 30 रख लीजिए, बैकग्राउंड ब्लैक करके क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर लीजिएगा। प्लस के आइकन पे क्लिक कीजिए, मीडियम जाएगी, जो भी फोटो पे एडिटिंग करना चाहते हो फोटो को सिलेक्ट कीजिएगा, इस फोटो को आप एडजस्ट कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग जितना पे रखना चाहते हो। प्लस के आइकन पे क्लिक कीजिए, रेक्टेंगल सेलेक्ट करके 3 डॉट पे क्लिक कीजिएगा, फिल कंपोजिशन एरिया कीजिए, कलर एंड फिल में जाकर ड्यूल कलर को सिलेक्ट कीजिएगा, व्हाइट वाले को ऊपर कर लीजिएगा, ब्लैक वाले को नीचे कर लीजिएगा, व्हाइट वाले को एडजस्ट कर लीजिएगा और यहाँ से कलर पर सिलेक्ट करके इसे ट्रांसमिट कर दीजिए। कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेना है कि देखने में अच्छा लगे। नहीं, ऐसे बैक करना है, प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, टेक्स्ट में जाना है, सॉरी ऑडियो में जाना है और यहाँ पे जो भी ऑडियो पे स्टेटस बनाना चाहते हो ऑडियो सेलेक्ट कीजिए, ऑडियो के लास्ट में आइएगा, दोनों को यहाँ से सिलेक्ट करके लास्ट तक कर लीजिएगा। करने के बाद स्टार्टिंग में आइएगा, एक प्ले करके चेक कर लीजिए फर्स्ट लाइन का वर्ड क्या है। मुझे तो मुझे तुम याद करना, तो यहाँ पे हम फर्स्ट लाइन का वर्ड जहाँ से स्टार्ट हुआ वहाँ पे आ जाएंगे। प्लस का क्लिक करेंगे, टेक्स्ट में जाएंगे, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ड टाइप कर सकते हो। तो मुझे तुम, ठीक है, मैं इतना ही रखता हूँ, देन अलाइन करेंगे, रोबोट वाले पे क्लिक करेंगे, जी वाला फॉन्ट आपको ले लेना है, SQG वेल डेमो रेगुलर करके इस फॉन्ट का नाम है, ये आपको आसानी से मिल जाएगा यूट्यूब पे, सॉरी यूट्यूब बोल रहा हूँ क्या, गूगल पे सर्च कर लेना है, आपको आसानी से मिल जाएगा। TTF लास्ट में जरूर लगाइएगा। अभी आपका इसका साइज जो है 24 कर देना है, यहाँ पे कलर जो है यहाँ से व्हाइट कर लीजिएगा, देन राइट क्लिक कर लीजिएगा। करने के बाद इसे यहाँ से मूव कीजिएगा और नीचे की तरफ यहाँ पे रख लीजिएगा, जहाँ पे भी आप रखना चाहे ऐसी जगह पे रखिएगा जो राउंडेड वर्क नहीं का गोला वाला, तो एडजस्ट हो जाए सही से। देन यहाँ से बैक आइएगा, एडिट में जाने के बाद ये पॉइंटर जो है इसे आप एडजस्ट कर लीजिएगा अच्छे से टेक्स्ट के बराबर में, ठीक है, और राइट क्लिक कर लीजिएगा, एक बार फिर से प्ले कीजिएगा और चेक कर लीजिए फर्स्ट लाइन का वर्ड खत्म कहाँ पे हो रहा है। मुझे तुम, ये थोड़ा ज़्यादा जूम हो गया गाइस, थोड़ा सा एक बार तुम याद, यहाँ से दूसरा वाला स्टार्ट हो रहा है तो फर्स्ट वाले को यहाँ से कट करते हैं। अब सेकेंड वाला जहाँ से स्टार्ट हो वहाँ से कट कर दीजिए। इसके बाद फर्स्ट इस पर इफेक्ट देना है, तो भाई आपको क्या करना है, फर्स्ट तो इस पर टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और ये काम करना है, फर्स्ट स्टार्टिंग में आने के बाद थोड़ा सा स्पेस यहाँ पर दीजिएगा, एक बीट लगाइएगा, उसके बाद हल्का आगे जाने के बाद एक बीट लगाइएगा, फिर से उसके बाद हल्का आगे जाने के बाद एक बीट लगाइएगा, यहाँ से फिर हल्का उतने ही आगे जाइएगा, एक बीट लगाइएगा, फिर हल्का आगे जाकर एक बीट लगाइएगा, तो हो गया 3, 2, 5 बीट आपको यहाँ पर लगा लेना है, एक बीट आपको लास्ट में लगाना है। इससे हमें इफेक्ट देने में आसानी होगी क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा इफेक्ट यूज हो रहा है, तो मैं आपको जैसे बताऊंगा वैसे ही इफेक्ट यूज कीजिएगा तो आप आसानी से एडिटिंग कर पाओगे। अभी इफेक्ट पे जाइएगा, एड इफेक्ट पे जाइएगा, ब्लर में जाइएगा, यहाँ पे मोशन ब्लर को सिलेक्ट कर लीजिएगा और इसे स्टैंडर्ड सेटिंग कर लीजिएगा, देन मोशन ब्लर पे क्लिक कीजिए, बैक चला जाएगा। अभी आपको एड इफेक्ट पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद डिस्टोर्शन आपको सिलेक्ट करके और यहाँ पे मतलब ओपन कर लेना है, डिस्टोर्शन आपको ओपन करके पिंच बल्क करके इफेक्ट मिलेगा, इसे स्टैंडर्ड सेटिंग कर लीजिएगा। अब गाइस इसे ओपन कीजिएगा, ओपन करने पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, तो आपको क्या करना, स्ट्रेंथ में एक की लगा लेना है, ठीक है, स्ट्रेंथ में लास्ट में एक की लगाइएगा और इसे कर दीजिएगा 0, ये चीज़ को ध्यान रखना है, बस इसे 0 करना है, ठीक है, और फिर फर्स्ट वाला जो बीट लगा है फर्स्ट वाले पे आ जाइएगा और यहाँ पे एक की लगा लीजिएगा, की लगाने के बाद इसे 0.75 कर दीजिएगा, 75 ही बस इसे रखना है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं 75, देन दोनों के बीच में एक कॉर्ड पे क्लिक कीजिए, इसे यहाँ पे पूरा फुल कर दीजिएगा, देन ऐसे यहाँ पे इतना पे रख लीजिएगा जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, देन यहाँ से बैक आ जाना है, बैक आने वाले रेडियस को आपको पूरा फुल कर देना है। अभी एक और प्ले करके देख लेते तो कुछ इस तरह से इंटरफेस है जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते, काफ़ी स्मूथ लग रहा है। अभी आपको पिंच बल्ब पर क्लिक करना है, बैक चला जाएगा, एड पर क्लिक कीजिएगा, ब्लर में जाइएगा, ब्लर में जाने के बाद जूम ब्लर को सिलेक्ट करके स्टैंडर्ड सेटिंग कर लेना, देन कुछ इस तरह का इंटरफेस है जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते, जूम ब्लर को ओपन कर लीजिएगा, इसका जो सेंटर है इसे माइनस में 75 कर दीजिएगा, एक्स को, ठीक है, एक्स को आपको 75 कर देना, स्ट्रेंथ पे आना है, स्ट्रेंथ पे आने के बाद आपको क्या करना है, फर्स्ट जो बीट हम इस साइड में फर्स्ट तो यहाँ पे है तो इस पे एक की लगा लीजिएगा, देन सेकंड वाले बीट पे भी जाकर एक की लगा देना है स्ट्रेंथ में, ठीक है, और इसे आपको सेकंड वाले की को 0 कर देना है, फर्स्ट में जाना है और इसे आपको 0.45 कर देना है, ठीक है, ठीक है, दोनों के बीच में आइए, कर्व सब पे देना है गाइस, तो कर्व पे ध्यान देने की बात है, आपको कर्व में जाना है और इसे यहाँ पे रख लेना है और इसे इतना पे रख लीजिएगा, यहाँ पे देख सकते हैं 3 डॉट पे क्लिक कीजिए, इनेबल ओवरशूट कर दीजिएगा, तो कुछ इस तरह से आ जाएगा जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अभी आपको यहाँ से बैक आ जाना है, देन बैक आने के बाद जूम ब्लर पे क्लिक कर देना, तो आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा, यहाँ पे एड पे क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद गाइस आपको क्या करना है, कलर एंड लाइट में चले जाना है, यहाँ पे एक्सपोजर गामा दिखेगा, इसे सेलेक्ट करके स्टैंडर्ड सेटिंग कर लीजिएगा, देन कुछ इस तरह से आ जाएगा गाइस, यहाँ पे एक्सपोजर गामा को ओपन कर लीजिएगा, देन ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से आ जाएगा, यहाँ पे आपको
स्टार्टिंग में जाकर एक की लगाना है और इसे पूरा वो टू कर देना है। देन सबसे लास्ट में जो की लगा हुआ उस पर जाकर एक की लगाइए और इसे जीरो कर लीजिए, माइनस नहीं बस जीरो, नहीं तो इफेक्ट में थोड़ा भी अंतर पड़ता है तो प्रॉब्लम हो जाती है। अगर दोनों के बीच में एक कर्व पे जाइएगा और यहाँ पे आपको कर्व लगाने में थोड़ी आसानी नहीं होगी, तो इसलिए आपको क्या करना है, इस तरह से इसे रखना है फर्स्ट वाले को इतना पे। अब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें है, इसे एडजस्ट करने में, तो इसे यहाँ पे इस तरह से रखना है, देख लीजिए ऐसे ही रखना है बस सीधा, ठीक है देख सकते हैं। थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम होगा बट सही है, रहने देते हैं। यहाँ से बैक आ जाएंगे, बैक आने एक्सपोजर का आप क्लिक करेंगे बैक चला जाएगा, ऐड फिर पे क्लिक कर लीजिएगा। दोस्तों ऐड फिर पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस है, कलर लाइट में जाएगा, फिर से एक्सपोजर का आपको सेलेक्ट करके स्टैंडर्ड सेटिंग कर लीजिएगा। अभी एक्सपोजर का आपको ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। आपको यहाँ पर क्या करना है, इसके 5 नंबर पर जो बीट लगा है उस पर जाकर एक की लगा लेना है और ये 0 रहेगा। अब जो फर्स्ट में बीट लगा हुआ है इस पर आइएगा, एक की लगाइएगा, की लगाने के बाद इसे पूरा 2 कर दीजिए फुल। देन दोनों के बीच में आइएगा, कॉर्ड पर जाइएगा और यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करके डिसेबल ओवरशूट कर देना है। नहीं यहाँ पे आपको गाइज क्या करना है, इसमें कोई बीट नहीं लगाना है, ठीक है ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ से बैक आ जाएगा, बैक करने के बाद एक्सपोजर का वहाँ पे क्लिक कीजिए, बैक चला जाएगा, ऐड फ्री पे क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पे आपको यानी ब्लर में चले जाना है, ब्लर में जाना है, डायरेक्शन ब्लर को सेलेक्ट करके स्टैंडर्ड सेटिंग करना है। देन कुछ इस तरह से आ जाएगा, यहाँ पे डायरेक्शन ब्लर को ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद गाइज आपको क्या करना है, फर्स्ट वाले पे जाकर एक की लगाना है और 3 नंबर पे जो यहाँ पे एक बीट है इस पे जाकर एक की लगा लेना है, ठीक है। 3 नंबर वाले को यहाँ पे कर दीजिएगा 0 और फर्स्ट नंबर पे जाकर इसे कर दीजिएगा पूरा फुल 1 पे, ठीक है। और ये दोनों के बीच में आकर कॉफ पे जाएगा और इसे यहाँ पे और इसे इतना पे रख देना है, जैसे आप देख सकते हैं मैंने रख दिया है स्क्रीन पे, ठीक है। अभी गाइज यहाँ पे आपको बैक आना है और एंगल 0 रहेगा, डायरेक्शन ब्लर पे क्लिक कीजिए, बैक चला जाएगा, ऐड इफेक्ट पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे डिस्टॉर्शन वाप में स्विल करके एक इफेक्ट मिलता है, ये वाला आप देख सकते हैं, इसे सेलेक्ट करके स्टैंडर्ड सेटिंग कर लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ इस तरह से आएगा, यहाँ पे स्विल को ओपन कर लीजिएगा, सेंटर में आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में आकर एक की लगा देना है, ठीक है एक्स पे जैसे आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, फर्स्ट वाला जो ये बीट लगा फर्स्ट वाला इस पर आना है, एक की लगा देना है और इसे माइनस में आपको कर देना 500, ठीक है यहाँ पे पूरा 500 कर लीजिएगा, पूरे के पूरे 500 माइनस में ये रहा। फिर फर्स्ट वाले पहने थोड़ा सा इसे माइनस में कर दीजिएगा तो 13 ही इसे कर लेते हैं। देन दोनों के बीच में आइएगा, बीच में आने के बाद कॉर्व पे क्लिक कीजिएगा और फ्रेंड्स कॉर्व पे क्लिक करने के बाद इसे आपको इतना पे रखना है और इसे यहाँ पे रखना है, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से बैक आ जाएगा, स्ट्रेंथ पे क्लिक कीजिएगा और इसके भी स्टार्टिंग में आकर एक की लगा लेना है और फिर साइड में जाकर एक की लगा देना है, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अभी आपको यहाँ पे जो स्ट्रेंथ के सेकेंड वाला की लगाए हैं इसे 0 कर लीजिएगा, बस माइनस नहीं करना है 0 करना है, यहाँ पे माइनस हो रहा है इसे 0 कर देना है, ठीक है। और फर्स्ट वाले पे आ जाइएगा, फर्स्ट वाले पे आने के बाद इसे आपको कर देना 0.487, ठीक है 487 0.487 प्लस में ही 487, ठीक है 78। अब ये दोनों के बीच में भी आइएगा, कॉफ पे क्लिक कीजिएगा और इसे पूरे इतना पे और इसे इतना पे रख लीजिए। तो अभी आप देखेंगे कुछ इस तरह से इंटरफेस आ रहा है, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, बस फ्लैश यहाँ पे स्टार्टिंग में ही मिल रहा है, ठीक है इतना सही है। यानी यहाँ से बैक आइएगा, नीचे रेडियस पे 0.21 कर देना है, ठीक है इतना अब सही है। रेडियस यहाँ पे जो मकड़ी का जाला है वो सही से यहाँ पे अब दिखेगा, ठीक है। अब इसे रहने देते हैं, नीचे आ जाइएगा, नीचे स्विल पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे ऐड फिर पे क्लिक करना है, मेटल मास्क की का ऑप्शन आएगा, इसे सेलेक्ट करके रेडियल वाइप को सेलेक्ट करना है, स्टैंडर्ड सेटिंग कर देना है, रेडियल वाइप को ओपन कर लीजिए। तो दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, तो यहाँ पे आपको करना है रेडियल प्रोग्रेस जो है इसमें प्रोग्रेस पे मैंने क्लिक करना था, तो प्रोग्रेस पे क्लिक कीजिए, इसका स्टार्टिंग में अगर एक की लगा लीजिएगा, ठीक है। और जो फर्स्ट वाला की है इस पे जाइएगा, फर्स्ट वाला नहीं फोर वाले पे चले जाइए, फोर नंबर पे है इस पे और यहाँ पे एक की लगा लीजिए, फोर नंबर पे कर दीजिएगा 0 और ये दोनों के बीच में आइएगा, कॉर्ड पे क्लिक कीजिए और इसे यहाँ पे और इसे यहाँ पे रख लीजिए, जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। यानी यहाँ से बैक आ जाना है, स्टार्ट एंगल पे क्लिक करना है और इसके पहले तो फर्स्ट वाले पे आकर एक बीट लगा लीजिएगा, ठीक है जस्ट बाद वाला जो है इस पर बीट लगा लीजिएगा, ठीक है। और फर्स्ट वाला को यहाँ पे 0 है, सेकेंड वाले को आपको बढ़ा देना है तो 286 कर दीजिएगा, ठीक है 286 इसे रख लीजिएगा 86, ठीक है। इसमें कोई कॉर्फ नहीं देना है, सेंटर 00 है, फेदर को आपको बढ़ा देना है, तो गाइस फेदर यहाँ पे हम कर देंगे 100, ठीक है 100 ये रहा। और सीसी भी जो है इसे ऑन कर दीजिएगा। देन यहाँ पे काउंट का जो नंबर है, काउंट को आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, जितना भी रखना 13, 14, 15, 16, 17, 2, 4 जो भी, तो कम से कम तो 12 प्लस ही रखिएगा। तो ये जो यहाँ पे आप देखिए ये लाइनिंग जो आ रहा है, तो जितना आप इसे बढ़ाएंगे घटाएंगे उतना लाइनिंग आएगा, तो आप जितना लाइनिंग चाहते हैं उतना आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 16 रहने देता हूँ, ठीक है। अभी आपको डिटेल वाइप पर क्लिक करना है, बैक चला जाएगा। अब गाइस यहाँ पे मेन इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे ऐड इफेक्ट पर क्लिक कर लीजिएगा
यहाँ पे आपको गाइस ड्राइंग एडिज में मिलेगा ग्लो स्कैन, इसे सेलेक्ट करके स्टैंडर्ड सेटिंग कर देना है। ग्लो स्कैन को ओपन कीजिएगा, कुछ इस तरह से आ जाएगा। और गाइस आपको क्या करना है, फर्स्ट जो बीट लगाए हैं हम फर्स्ट वाले बीट पे आकर एक बीट लगा देना है और फिर लास्ट में चले जाना है। लास्ट में जाने के बाद एक बीट यहाँ पर भी लगा देना है। लगाने के बाद गाइस इसे जीरो कर दीजिएगा, ठीक है। लास्ट वाला जीरो रहेगा और फर्स्ट वाले पे आ जाएगा और इसे आपको बढ़ा देना है, मिनिमम 30 पे रख लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इफेक्ट जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो रहेगा। तो इतना पे 0.29 मैंने रख दिया। देन दोनों के बीच में आकर कॉल पे क्लिक करेंगे और इसे यहाँ पे रख देंगे, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो बस इफेक्ट हमारा बस इतना पे आएगा, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इस तरह से। फिर यहाँ से बैक आइएगा, रेडियस पर क्लिक कीजिएगा, रेडियस को पूरा फुल 1 कर देना है। अब देखिए इफेक्ट कुछ इस तरह से आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। अब नीचे जाइएगा तो फेदर का ऑप्शन देख सकते हैं, फेदर को आपको पूरा फुल कर देना है। अभी आप इफेक्ट देख सकते हैं चेंज हो गया। अभी आप नीचे जाएगा स्मूथिंग, इसे पूरा जीरो कर दीजिए। तो इसे स्मूथिंग का क्या है देख सकते हैं, यहाँ पे ये ब्लर करता है, स्मूथ करता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसे पूरा जीरो रखेंगे तो यहाँ पे ब्लर नहीं होगा। अब यहाँ पे कलर जो है रहने दीजिए, कलर आप चेंज भी कर सकते हैं। इसका ब्लेंड जो है पूरा फुल कर दीजिए। अब ये कलर आप एडजस्ट करेंगे यहाँ से, जो भी कलर यहाँ पे रखेंगे वो कलर यहाँ पे आपको स्क्रीन पे देखने को मिलेगा। तो जो भी कलर रखेंगे तो मैं जो था वही रहने देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अब थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे अल्फ़ा को भी हम थोड़ा सा कम करेंगे। लाइटिंग थोड़ा ज़्यादा है तो यहाँ पे फेस नहीं दिख रहा है, तो लाइटिंग थोड़ा हम कम करेंगे ताकि फेस दिखे। यहाँ पे कुछ इस तरह से आएगा, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं काफ़ी स्मूथ हमारा एडिटिंग कंप्लीट हो चुका है। क्या जब टेक्स्ट में जो लास्ट वाला इफेक्ट हम देंगे तो वो इफेक्ट आपको मिलेगा टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में। तो ऐड इफेक्ट पर जाएंगे और नीचे स्क्रॉल करके टेक्स्ट में जाएंगे, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म को सिलेक्ट करके स्टैंडर्ड सेटिंग कर देंगे। इसे ओपन कीजिएगा, रेंज में जाना है और यहाँ पे पहले से स्टार्ट तो जीरो है ही, एंड को भी जीरो कर देना है, ठीक है। यहाँ पे अभी कहीं फेज पे आपको क्लिक कर लेना है। फेज पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना होगा, फर्स्ट में अभी इस बीट सब का काम हमारा हो चुका है, तो आप चाहे तो बीट को हटा सकते हैं क्योंकि एक ही लिरिक्स पे हमें एडिटिंग करना है और सब पे कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, एक की लगा लेना है फिर से आपको यहाँ पे जीरो पे, और इसके बाद लास्ट वाले पे जाकर एक की लगाना है और इसे -100 कर देना है, ठीक है। ये हो गया, नीचे जाइए ट्रांसफॉर्म में तो लेटर है, लेयर है, सही है। और यहाँ पे ऑफसेट का जो है XY वो जीरो रहेगा, ठीक है। और Y को थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो इसे हम कर देते हैं -5, ठीक है। ऑफसेट में Y को -5 कर लीजिएगा, एंगल जीरो ही रहने दीजिएगा और यहाँ पे ये सब जीरो ही रहने दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे विजुअल एट्रिप्टिव जो है इसे ऑन करते हैं, तो इसमें भी कुछ नहीं कीजिएगा, इंटरपोलेशन एंड एजिंग जो है इसको ओपन करना है। इसमें आपको एज इन को 100 कर देना है, आउट को -100 कर देना है। देन नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, ओवरले पे क्लिक कीजिए, इसे 2 कर दीजिएगा, मतलब 2000 कर देंगे, ठीक है। ओह सॉरी, 200 करना था, 1000 नहीं करना था, 1000 इसमें है ही नहीं तो करेंगे कैसे। तो 200 इसे कर लीजिएगा, ठीक है, ओवरलैप को। और यहाँ पे स्क्वायर हैं ही रहने दीजिए और इस सबको कुछ नहीं करना। हमारा एडिटिंग जो है फिनिश हो चुका है, थोड़ा मेहनत तो जरूर लगा होगा आपको, बट एडिटिंग हमारा कंप्लीट होगा, जो कि कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, ठीक है। आप लाइरिक्स देख सकते, कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा फर्स्ट प्ले करने के, ठीक है। अब इसे सिलेक्ट करेंगे, ये वाले ऑप्शन टैप करेंगे, कॉपी लेयर करेंगे, देन यहाँ पे जो हम बीट लगाए थे इस बीट सबको आप हटा सकते हैं, इसका ज़रूरत नहीं है। तो ओ सॉरी, ये क्या हुआ, इसे हटाते हैं और फिर लास्ट में जाकर इसे भी हटाते हैं। देन ये जहाँ पे खत्म हो जाएगा, थोड़ा सा स्पेस देकर और ये वाले ऑप्शन टैप करके पेस्ट लेयर कीजिएगा। देन नेक्स्ट वर्ड क्या है, उसे आपको पहले ही प्ले कर लेना है। लिरिक्स वर्ड आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं और फिर सपर इफेक्ट कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा, या फिर प्ले करने के बाद इसे सुन सुन के आपको टाइप करना है, याद करना। तो नेक्स्ट वाला वर्ड जो हमारा है याद करना, तो यहाँ पे जो लिखा है उसे क्लियर करेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे याद करना, करना, ठीक है, और राइट क्लिक कर देंगे। करने के बाद एक चीज़ और देखिएगा, ये वाला जो पॉइंटर है अपने टेक्स्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करते जाइएगा सामने, और राइट क्लिक कर लीजिएगा। करने के बाद आप नेक्स्ट वर्ड जितना पे हो उतना पे आपको इसे कट कर देना है। कट करने के लिए आपको इसे सेलेक्ट करना है, ड्यूरेशन पर क्लिक करके ये वाले ऑप्शन टाइप करके कट करेंगे, और अगर आगे खींचना हो तो इसी वाले ऑप्शन पर टाइप करके आगे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से पूरा लाइक्स कंप्लीट कर लीजिए। वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है इसलिए मैं यहीं पर एंड करता हूँ। आप इस तरह से पूरा लाइक्स कंप्लीट कीजिएगा, कंप्लीट करने के बाद प्लस के आइकन में क्लिक कीजिएगा, टेक्स्ट में जाइएगा, यहाँ पर आपको क्या ना कुछ इमोजी टाइप कर लेना है। तो जो भी मुझे लेना चाहे लीजिएगा, अलाइन कीजिएगा, रोबोट टूल पे क्लिक कीजिएगा, iOS वाला जो फ़ॉन्ट आता है उसे सेलेक्ट कीजिएगा, इसका जो साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा, कलर यहाँ से इसका ट्रांसपेरेंट कर दीजिएगा, देन राइट क्लिक कीजिएगा। करने के बाद मूव करके इसे नीचे की तरफ रख लीजिएगा और थोड़ा सा देख लेते हैं फ़ॉन्ट हमारा कहाँ पर आ रहा है। तो फ़ॉन्ट थोड़ा ऊपर है, इतना पे रख लेंगे। अब यहाँ से इसे लास्ट तक कर लीजिएगा, पूरा एकदम लास्ट में रख लीजिएगा। लास्ट में रखने बाद लास्ट तक खींच लीजिएगा, स्टार्टिंग में आइएगा, प्लस का एक में क्लिक कीजिए, टेक्स्ट में जाइएगा, यहाँ पर आपको टाइप करना है YT, देन इसे और जो भी आपका यूजर नेम होगा, तो MKSINGH और ये अंडरलाइन और यहाँ पर 10, ठीक है,
ये हो गया मेरा यूजर नेम, अलाइन करेंगे और जो भी फॉन्ट आप लेना चाहे उस फॉन्ट को ले सकते। तो मैं तब तक के लिए ऐसी फॉन्ट को रख देता हूँ। देन यहाँ पे इसका कलर आप जो रखना चाहे रखिएगा, मैं सेकंड व्हाइट रख लेता हूँ। साइज इसे थोड़ा सा कम करते हैं और राइट क्लिक कर लेते हैं। करने के बाद थोड़ा सा आगे आएंगे और यहाँ से इसे मूव करके नीचे रख लेंगे इमोजी के। देन इसे भी पूरा लास्ट तक कर देंगे, यहाँ से पूरा लास्ट तक। अब हमारा एडिटिंग फिनिश हो चुका है, आप लेकर के देखेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। इफेक्ट सेम है यहाँ पे, देख सकते इफेक्ट जो मुझे भेजा गया था एकदम से सेम इफेक्ट यहाँ पे आ रहा है। और इसे अब आपको सेव कर लेना है। सेव करने के लिए ऊपर जो एरो देख सकते हैं इस पर क्लिक करके एक्सपर्ट पे क्लिक कर देना। देन ये जो यहाँ से वीडियो है हमारा सेव हो जाएगा हमारी गैलरी में। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिएगा। इसी तरह की और भी एडिटिंग के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो पूरी वीडियो को लास्ट तक देखने